और कल सरकार बजट प्रस्तुत करेगी तो उससे पहले तैयारी के लिए जूली साहब ने नेता प्रतिपक्ष हमारे हैं उनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक बुलाई, हम सब शामिल हुए हैं। किस प्रकार से इस बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका, जनता के मुद्दों को लेकर के हमारी रहेगी, इसकी रणनीति की हम लोग चर्चा करेंगे। और जो 8 महीने में 7 महीने में हमने जो आलम देखा है, जो पर्चियों के अलावा कोई फैसले हो नहीं रहे हैं, कोई खुद का विजन नहीं है, खुद की योजना नहीं है, और जो पहले इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया उसकी क्रियान्विति का कोई रोड मैप नहीं है, 100 दिन की कार्य योजना बनाने वाले लोग आज आप देख सकते हैं कि 200 दिन के लगभग हो गए, वो 100 दिन की कार्य योजना इनकी बनी नहीं है, आपस में सरकार में सामंजस्य नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, MLA मंत्रियों को पूछो कि हमारी चलती नहीं है, मंत्रियों के ऐसे उनके मुताबिक लगे नहीं हैं, जो मंत्रियों के ऐसे लगे हैं वो मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं और दिल्ली या ब्यूरोक्रेसी के सुप्रीमो को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फाइल आई है, ये इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, मंत्री इस पे ये देख रहा है, ये पूछ रहा है, ये कर रहा है, तो ये तो प्रजातंत्र का घोर अपमान है, प्रजातंत्र की हत्या है। मंत्री स्वतंत्र होना चाहिए अपने विभाग का काम करने के लिए, लेकिन मंत्री तो इस्तीफा लिए घूम रहे हैं। अब आप देखो कितनी हास्यास्पद भी है और शर्मनाक बात भी है और अपमानजनक भी है कि एक कैबिनेट का मंत्री 1 महीने पहले इस्तीफा देता है और उस इस्तीफे का ऐलान 20-25 दिन बाद में करता है और 10 दिन के लगभग हो जाने के बाद में, अनाउंसमेंट के 10 दिन के बाद में भी आज की तारीख तक वो मंत्री है या नहीं है, उसका इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ, तो इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है। आप बताइए कि कृषि संबंधी जितने भी इस बजट के अंदर प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, क्या किरोड़ी लाल मीणा जी की नॉलेज में है, क्या उनसे अधिकारियों ने चर्चा की है, क्या उनका विजन लिया गया है? मुख्यमंत्री जी पूरे बजट के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे, हर वर्ग से की है, अच्छी बात है, लेकिन वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने कितनी मीटिंगें ली, कितना उन्होंने लोगों से राय ली, क्या उनका विजन इसके अंदर है, उनका विजन आएगा या फिर मुख्यमंत्री जी ने जिन्होंने सारी बैठकें की है उनका विजन आएगा? बजट एक ही, जो बजट पढ़ने वाला वित्त मंत्री होता है वही बनाता है, वही वहाँ पर वाचन करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक तरीके से एक नई परंपरा की ये शुरुआत कर रहे हैं कि पढ़ेगा कोई, बनाएगा कोई, और फिर उसकी परिणति या उसका जो फील्ड के अंदर उसको कैसे उतार पाएंगे उस बजट को, ये बहुत ही शोचनीय प्रश्न है। क्योंकि जो पिछला अंतरिम बजट था उसमें जो घोषणाएं दिया कुमारी जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से की थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हम कल नहीं तो परसों जब हमारी चर्चा होगी, बहस होगी इस बजट के ऊपर, तो हम एक एक चीज़ बताएंगे कि आपने केवल बातें की हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके मुखिया ही मन की बात कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे, तो ये कहाँ से काम की बात करेंगे, ये भी केवल मन की बात करेंगे, एक दूसरे के पटक नहीं देने की बात करेंगे, हमारी जो सरकार की अच्छी योजनाएं थी उनकी समीक्षा की बात करेंगे और अनर्गल बयानबाजी करेंगे, सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, सब पे कहेंगे सब कुछ योजनाएं गड़बड़ है। आप बताइए इंग्लिश मीडियम स्कूल कितनी शानदार चल रही है, लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं और हमारा शिक्षा मंत्री जब से बना है तब से उस इंग्लिश मीडियम स्कूल के पीछे पड़े हुए हैं, और कारण है इसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है कि वो नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम में फ्री में पढ़ करके अपना भविष्य का निर्माण कर सकें। उनकी जो RSS का NGO है विद्या भारती, वो विद्या भारती की जितने भी स्कूलें हैं वो पिछले 5-10 साल में बंद हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा RSS की जो विचारधारा है उसको ज़्यादा बच्चों में थोपने का काम किया जा रहा था, लोग समझ गए और लोग कहते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन के इस युग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, तो उनको वापस कैसे बंद करें, इस दिशा के अंदर ये लोग बाग काम कर रहे हैं।
और आपको शिक्षा के अलावा वो सारी बातें मंत्री जी से सुनने को मिलेंगी जो जरूरी नहीं है। जनता ये कह रही है कि भाई आप कैसे हमें अच्छी शिक्षा दोगे, कृषि मंत्री कैसे, कृषि विभाग में किसानों को कैसे खुशहाली उनके जीवन में आए, किस प्रकार की योजनाएं और मदद दें, आप बताइए। अब बरसात का मौसम है, किसान का तो जीवन यापन इसी कृषि से ही हो रहा है, और वो कृषि के बारे में इस बजट में क्या चीज़ें हैं। हमारी सरकार थी तब हमने कृषि का अलग बजट पेश किया था, और आज दुर्भाग्य से अलग तो नहीं आ रहा, लेकिन कृषि का बजट कैसे बना, किसकी राय से बना, कृषि मंत्री को पता है कि नहीं, ये भी मतलब संदेह के दायरे में है। और मैं जहां तक समझता हूं कि उनसे कोई अधिकारियों ने कोई चर्चा नहीं की है, तो अब इस बजट का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बातें हैं। आज हम सब लोग चर्चा करेंगे, सदन के अंदर इनको घेरने का काम करेंगे, इनकी नाक में नकेल डालेंगे कि जनता के लिए आप चुन करके आए हो, जनता ने आपको आशीर्वाद देके सरकार में दिया है, तो आप हमको कांग्रेस को गाली देना बंद करो और आप अपना विजन पेश करो, लोगों के कैसे अच्छे काम हो, कैसे यहाँ का विकास हो, कैसे उनके जीवन में खुशहाली हो, इस प्रकार की योजनाएं बना करके इम्प्लीमेंट इस प्रदेश में करो। पता नहीं भाई सार, तो वो तो जो पुलिस को कारना है वो काम करेगी। जिस किसी का भी वीडियो होगा, कल हमने बाड़मेर में भी देखा था एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बंदूकें लाठियां सिरियां लेकर के तो आज मारपीट कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, और ये सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि इस अपराध के ऊपर अंकुश लगे, कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसकी जांच हो, तहकीकात में हो, अगर वो अपराधी है तो जेल के सलाखों के पीछे हो, कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर इतना नहीं है, ये तो केवल और केवल चाहे मुख्यमंत्री जी से बुलवा लो, चाहे किसी मंत्री से बुलवा लो, सारे के सारे दबी जबान में तो ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, अफसर हावी है, अफसर शाही हावी, आपने देखा होगा दूदू में उप मुख्यमंत्री बना रखा है उनको, प्रेमचंद बैरवा जी को, और वहाँ पर कह रहे हैं कि SDO BDO तहसीलदार जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंचों की मानते नहीं, और 12-12, 13-13 ने एक साथ इस्तीफे दे दिए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को कि उप मुख्यमंत्री का पद देने के बावजूद भी अगर उसकी खुद की होम पंचायत समिति में अगर BDO उनकी नहीं मानता तो वो किस बात के उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या जनता को राहत दे पाएंगे, मेरी समझ से परे। अजमेर हाईवे पे जाम लगता है, उप मुख्यमंत्री कहते हैं मैं परिवहन मंत्री हूँ, लेकिन NHAI के अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे, मैंने जाम से निजात दिलाया। NHAI नहीं, ट्रांसपोर्ट के भी नहीं सुन रहे, और आपने देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर रात को जो लूट कसोट होती है ना परिवहन विभाग में, वो सब बातें हम राजस्थान की विधानसभा में जब समय आएगा तब बताएंगे। ये भी एक खबर है भाई, ये भी एक खबर है। हम तो गहलोत साहब से रोजाना ही मिलते रहते हैं, अभी भी आज भी मिल के आए, 3 दिन पहले भी मिल के आए, 4 दिन पहले में, लेकिन उस खबर को प्लांट कराई गई, फोटो ली नहीं गई, तो क्या इसमें कोई बड़ी बात कर दी क्या? CM को तो रोजाना जाके राय लेनी चाहिए सीनियर लीडर से, और मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए। वो तो केवल ब्यूरोक्रेसी ने घेर रखा है उनको, उनके खुद के बस की बात है ही नहीं वो।